हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 49 चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 50 चैप्टर शेयर करते हैं। और हाँ, 50 चैप्टर इस मांगा का न्यू चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लुइस तभी बहुत सैड होता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ वो सब नहीं करना? तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। देखो, मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अभी कर सकते हो। वैसे भी कुछ दिनों में शायद तुम मुझे ना देख पाओ। ये सब सुन के डॉक्टर एवन बहुत चौंक जाते हैं और उन्हें बुरा भी लग रहा होता है। तभी डॉक्टर एवन वहाँ से उठते हुए कहते हैं, लुइस तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम पहले सो जाओ, मैं अभी आता हूँ तुम्हारा गिफ्ट चेक करके। ओके फ्रेंड्स, चलिए 50 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में डॉक्टर एवन ने लुइस के लिए सूप बनाया होता है, पर वह लुइस को देने के बजाय वहाँ काउच पे ही बैठ जाते हैं। लुइस की वो सारी बातें सुनकर डॉक्टर एवन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ लुइस आता है। लुइस को देख के डॉक्टर एवन कहते हैं, तुम इतनी जल्दी उठ गए, जाओ जाके थोड़ी देर और सो जाओ। लुइस तभी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये सुन के डॉक्टर एवन हंसते हुए कहते, हे सिली, यहाँ आओ। तभी लुइस जाके डॉक्टर एवन के पास बैठ जाता है। डॉक्टर एवन कहते, मैं तुमसे गुस्सा कैसे रह सकता हूँ? हाँ, लुइस कहता है, तुम मेरी वजह से पूरी रात नहीं सोए ना? ये सुन के डॉक्टर एवन कहते, हाँ मैं नहीं सोया, इसलिए हम दोनों अब साथ में सोएंगे। ये सुनकर लुइस को थोड़ी देर पहले का सीन याद आता है, जब लुइस ने डॉक्टर एवन को पीछे से हग किया था और उसे याद करके अपना लुइस ब्लश कर रहा होता है। तभी डॉक्टर एवन लुइस को सूप देते हुए कहते हैं, ये लो तुम सूप पी लो, तुमने वैसे भी कल कुछ नहीं खाया था, है ना? ये सुन के लुइस वो सूप पी रहा होता है। तभी डॉक्टर एवन कहते, क्या तुम कल ठीक से सोए? अब ये सब छोड़ो और तुम थोड़ी देर और सो जाओ, तुम्हारे बॉडी के लिए बेटर होगा। लुइस कहता है, ओके समझ गया मैं। फिर थोड़ी देर बाद लुइस सोने आ जाता है और डॉक्टर एवन उस पर ब्लैंकेट ओढ़ते और फिर लुइस को ठीक से सुलाकर वो रूम से बाहर निकल जाते। तभी सडनली डोर पे बेल बजती है। बेल की आवाज़ सुनकर डॉक्टर एवन डोर की तरफ जा रहे होते। तभी डॉक्टर एवन दरवाज़ा खोलते हुए कहते, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ किसकी तलाश में हो? तभी वो पर्सन कहता है, मुझे अंदर आने दो। ये सुन के डॉक्टर एवन कहते, तुम हो कौन? वो पर्सन तभी जोर से दीवार पे पंच मारते हुए कहता है, एल्टॉफ, मेरा नाम एल्टॉफ चियांग है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।